वैष्णो देवी कटरा में हिंदू श्रद्धालुओं के हमले में मरने वाले तीर्थ यात्रियों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। माधव चौक पर आतंकवाद का पुतला फूंका। विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर बताया कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में कटरा से शिवखोड़ी जाते समय 9 जून 2024 को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का कायराना हमला किया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। इस क्रूरता दृष्टिकृत्य से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। इसी के चलते शिवपुरी के मुख्य चौराहे माधव चौक पर आतंकवाद का पुतला भी फूंका और बताया कि धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी है, लेकिन लगता है कि उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सबके पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश की नई सरकार के शपथ ग्रहण के समय इस प्रकार का दुस्साहसिक कृत्य करके इस्लामी आतंकवादियों ने देश के संप्रभुता को चुनौती दी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हिंदू तीर्थयात्रियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही कठोर कार्यवाही की मांग की। आज चौराहे पर पुतला दहन किया गया है, किसने किया और क्यों किया? वैष्णो देवी मंदिर के लिए जो हमारे हिंदू तीर्थ यात्री जा रहे थे, उस बस पर पाकिस्तान पहुंचे इस्लामिक लोगों ने आकर के ड्राइवर पर गोली मार के बस जब हाईवे गई तो हमारे 10 निर्दोष हिंदुओं की मौत हो गई और 40 लोग अभी भी घायल हैं। और ऐसे कृत्य हमारे धार्मिक स्थलों, हिंदू धार्मिक स्थलों पर किए जाते हैं। इस्लाम अभी भी वही स्थिति में है, पाकिस्तान अभी वही कृत्य कर रहा है। आतंकवाद अभी गया नहीं है उनके जहन से। अगर 370 हटने के बाद भी हम लोग सोच रहे थे, हिंदू सोच रहे थे कि चलो कुछ ना कुछ राहत मिलने वाली है, लेकिन 370 के बाद भी अभी भी इस्लामिक आतंकवादी अभी पोषित हैं और लगातार ये हमले करते जा रहे हैं। इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका भरकस प्रयास के साथ में इसकी विरोध करता है और उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि भी देता है जो हमारे तीर्थयात्री मारे गए और 40 लोग घायल हैं। उसके लिए शुभकामना भी हम लोगों की तरफ से है तो भगवान उनकी रक्षा प्रदान करें और 10 लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें और ऐसे आतंकवाद को रोकने के लिए मतलब भाई बहन क्या चाहता है बजरंग दल, आगे क्या करना चाहिए? बजरंग दल अगर इस तरह के कृत्य होते रहे तो हम सारे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के उद्देश्य से हम लोग ये ज्ञापन देके आए अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए। और आगे अगर ऐसा होता रहा तो फिर बजरंग दल अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा हमेशा हमेशा। यही हमारा उद्देश्य है कि इस तरह की कृत्य ना हो, हमारे हिंदू धर्मराज की यात्रियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए और देश प्रशासन करके वहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया जाए जिससे कभी गतिविधियाँ ना हो।